Gran serie. ठीक, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम इस शीट पे थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाली शीट चल रही थी। इसे प्लीज एक बार फिर से ओपन करें। ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की शीट, राइट। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पेज हमने कर लिया था, ये वाला पेज हमने कर लिया था, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था। ओके, ये क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगल, ओपन कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जिसका एरिया कितना है, 3 × 4 cm। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 3 × 4 cm एंड हैविंग 100 टर्न्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, तो टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट होगा, यानी कि कितने टाइम्स, n टाइम जनरेट होगा, एंड अलोंग जेड एक्सिस। अब 100 टर्न इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ हमने इसे प्लेस किया। द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का करंट है इस कॉइल में, और बी की जो वैल्यू है वो 0.1 टेस्ला है, इज प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो बी की वैल्यू किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से डायग्राम आपके फिगर में बना भी हुआ है उस पेज पे। सो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ साइड इज इन एक्स वाई प्लेन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखें तो ये देखो, ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक, ये डायग्राम है ना, हाँ। सो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एरिया वेक्टर मींस इस लूप को हमने कैसे रखा हुआ है, इस लूप को एक्स वाई प्लेन में रखा है। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो हमने क्वाइल को कैसे रखा, हमने इस क्वाइल को एक्स वाई प्लेन में रखा, ये क्वाइल है और ये एक्सिस कौन सा एक्स है और ये वाला कौन सा एक्सिस है, वाई है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, और हमने इस पे रखा। और कैसे रखा, सच दैट ये जो कॉइल है इसने कितना एंगल बनाया विद 37 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस। क्यों, मेरे ख्याल से 37 डिग्री कुछ इसमें गिवन है, इसमें गिवन है कि फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ साइड इन एक्स वाई प्लेन। तो साइड इन एक्स वाई प्लेन जो भी है मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये मैंने क्या लिखा इसमें, उसने कहा ये साइड है, इस साइड ने कितना एंगल बनाया 37 डिग्री। तो मेरे ख्याल से थीटा समझ में आ रहा है, थीटा इसमें 37 डिग्री है, तो जो साइड है वो 37 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपका कॉइल, ये आपका लूप है, ये ऐसे बढ़ा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37, राइट। तो ये थीटा 37 है, तो एरिया वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने लिखा जो एरिया वेक्टर है उसने एंगल बिल्कुल सेम टू सेम बनाया 37 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब हाँ, क्योंकि एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जब ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है, ये लूप ऐसे रख दें, ओके, ये ऐसे पड़ी नहीं हुई 37 डिग्री पे है, पर अगर ये ऐसे पड़ी होती तो एरिया वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग चला जाता, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ये एरिया वेक्टर ऐसे जाता, पर क्योंकि लूप ऐसी हो गई तो ये एरिया वेक्टर भी अब ऐसा हो गया। तो अगर ये लूप ने एंगल 37 बनाया तो इधर से एरिया वेक्टर भी घूम गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद नेगेटिव वाई। यही इस गेम का मेन प्लान है, बस हमने साइड से कुछ नहीं लेना, हमें तो एरिया वेक्टर देखना था। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये लूप ऐसे है और इसमें करंट कैसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है या इस तरीके से भी आ रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसलिए ढूंढा जा रहा है, अगर मान लो करंट इसमें ऐसे आ रहा है तो जब मैं इस तरीके से अपने फिंगर्स घुमाता हूं तो ये डायरेक्शन किसकी होती है, म्यू वेक्टर या कैपिटल एम वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एरिया वेक्टर के साथ ही तो जाता है, तो एरिया वेक्टर का निकालने का रूल भी वही है, 4 फिंगर्स को घुमाओ करंट के साथ एरिया वेक्टर, और एम वेक्टर या म्यू वेक्टर निकालने का तरीका भी यही है, 4 फिंगर को घुमाओ कैपिटल एम या म्यू वेक्टर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है कि अब ये जो वेक्टर है ये तो इधर घूम गया, तो एरिया वेक्टर जो है वो तो घूम गया, तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, म्यू इंटू बी, या सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी एक करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है बी में, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, एन बी ए साइन ऑफ थीटा या एल्फा जो भी है, और
साइन फॉर्मूला कब यूज करते हैं? टॉर्क के अंदर साइन और कॉस दोनों के साथ टॉर्क आता है, साइन तब यूज करते हैं जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगल गिवन हो, और जब कॉइल खुद एंगल बनाए बी वेक्टर के साथ तो उसको हम क्या यूज करते हैं? कॉस यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन कॉस में थी, जो हमने डेरिवेशन की थी एन बी आई ए कॉस थीटा आया था, डेरिवेशन याद है टॉर्क की, और फिर हमने वो किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अल्फा एंगल बनाता है और थीटा प्लस अल्फा 90 था, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा से साइन में कन्वर्ट करके आया था। चेक कर लो, बुकलेट चेक कर लो, बुकलेट का पेज नंबर चेक करो, कोई बात नहीं, देख लो देख लो। अगली बार इसका टेस्ट है, प्लीज एक एनसीईआरटी लेवल का टेस्ट है, गैल्वेनोमीटर टॉर्क के सारा कुछ आएगा, अपने आप याद हो जाएगा अगली बार, नेक्स्ट टाइम तक पढ़ के आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखो जरा 115 पे देखो, चेक करो, दो फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूले में कॉस है, एक फॉर्मूले में साइन है, राइट? हाँ जी, ठीक है ना। तो साइन फॉर्मूला कब यूज किया था? जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किया। और कॉस कब यूज किया? जब हमने लूप लूप का एंगल लिया। तो इसमें मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? लूप का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लूप का परपेंडिकुलर। तो लूप के परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया? 37 डिग्री। तो मेरे ख्याल से साइन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि लूप का परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है 37, तो ये एन बी आई ए साइन 37। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स पता है, बी पता है, आई पता है, ए पता है, सारा कुछ पता है, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? इसमें बी वेक्टर कैसे गिवन है? जे कैप, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर गिवन है, राइट? दैट इज जे कैप के अलॉन्ग क्वेश्चन में गिवन है ये। और हमें जो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये कैसे गिवन है? 37 डिग्री विद नेगेटिव वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि आंसर के कैप में आएगा? वो तो आएगा ही। ये देखो, इसका लूप का परपेंडिकुलर ये रहा, एम वेक्टर ये रहा या म्यू वेक्टर ये रहा, वो करंट ऐसे घुमाते हैं तो म्यू वेक्टर ऐसे है, म्यू वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर कहां पर है? इस तरफ पीछे। तो लगाएं जो वो क्रॉस प्रोडक्ट, म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी, चार फिंगर, म्यू क्रॉस बी, थंब कहां रहे? ऊपर, ऊपर कौन सा कैप है? सेट कैप है। ये एक ही बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम्हें पता है कौन सा कौन है वो बंदा? बस उसी ने घुमाया हुआ और कोई चक्कर नहीं है, बाकी तो सब सीधा ही पूछते हैं। तो उसने ये जो एंगल पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, देखो हर चीज एकदम क्लियर दिख रही है इस क्वेश्चन में। तो जिसका ये क्वेश्चन सॉल्व है उसको बहुत सारी चीजें क्लियर दिख रही है। एक तो साइन वाला कब फॉर्मूला लगना है, एरिया वेक्टर कब लेना है, एम वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये सारी चीजें इसमें क्लियर होती है। के कैप क्यों हुआ? ओके, लूप ऐसे पड़ा, लूप पहले ऐसा था, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे था, लूप घूम गया, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, जे कैप पहले ऐसे था, ऊपर के कैप। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, मुझे तो ट्रिकी लगा जब मैं सॉल्व कर रहा था खुद, तो मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा दिमाग लग रहा है, एक नॉर्मल क्वेश्चन से कम ज्यादा दिमाग ही लगवा रहा था, बट यानी कि समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन भी कोई कम नहीं है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है किसी मेरे ख्याल से पेपर में। इन्होंने क्या किया, स्क्वायर लूप लिया ऑफ साइड एल, ठीक है, दिख रहा है मुझे स्क्वायर लूप दिख रहा है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई, तो आई करंट इसमें मूव कर रहा है, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइंड म्यू ऑफ द लूप। बहुत सिंपल, उसने कहा करंट आई है और ये लूप 30 डिग्री पे रखा गया है, एक्स वाई प्लेन से बाहर ले आए इसे हम, बाहर की तरफ, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और हमें क्या निकालना है इसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मुझे पता है कि करंट कैरिंग लूप का कैपिटल एम डायपोल मोमेंट क्या होता है? करंट इंटू एरिया। अब क्वेश्चन जो ऑप्शन जो थी ना, चार ऑप्शन वो ना वेक्टर में गिवन थी, अगर तो स्केलर होती फिर तो एक मिनट का काम था, करंट निकालो एरिया से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर आंसर। प्रॉब्लम तो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने ही वेक्टर में है, क्योंकि दिमाग पूरा खपेगा ही वेक्टर में, और रूल बड़ा सिंपल है, एम वेक्टर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप करंट के साथ इस फिंगर को घुमाओ तो एम वेक्टर आएगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो खुद ही प्लेन बाहर निकला हुआ है, मैं फिंगर घुमाऊंगा तो पता नहीं कहां जाएगा फिंगर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इंटू एरिया, एम इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर। मैं क्या करूंगा, करंट को करंट रखूंगा, एरिया को क्या लूंगा, एरिया को लूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ,
अब जो लेंथ है वो कौन सी लेनी है और ब्रेथ कौन सी लेनी है, सीक्वेंस जरा ध्यान से देखना। एरिया वेक्टर के अंदर अगर वेक्टर फॉर्म में लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगेगा तो आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे सी बी इंटू बी ए, नहीं तो नॉर्मल मैथ्स में स्केलर में जब करते हैं ना किसी भी साइड को किसी भी साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ गया, ना ना वेक्टर में ऐसे नहीं है। वेक्टर में करंट के साथ चलेंगे, ये करंट यहाँ से आया यहाँ से यहाँ आया तो हम लेंगे ए बी क्रॉस बी सी, राइट। एक सीक्वेंस बना के रखेंगे, ये नहीं है कि उल्टा चल पड़ा, तो हम सीक्वेंस बनाते हैं ए बी क्रॉस बी सी। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया, पहला स्टेप। तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इसमें। अब ए बी वेक्टर कहाँ पर है, ये रहा। ए बी वेक्टर की जो लेंथ है ना वो एल है, एल है। अब ए बी वेक्टर 30 डिग्री बाहर आया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। ए बी वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एल कॉस 30 एक एल साइन 30। ये बाहर की तरफ आ रहा है बोर्ड के यहाँ पे, तो एक एल कॉस 30 एक एल साइन 30। तो एल कॉस 30 किस कैप के अलोंग है, आई, और एल साइन 30 बाहर आ रहा है, बाहर कौन सा कैप आ रहा है इसमें, जेड। तो पीछे क्या लगेगा, के कैप, राइट। और ये जो बी सी है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ चल रहा है, तो बीसी के साथ कौन सा कैप है, माइनस जे। लेंथ तो इसकी एल है लेकिन डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस जे। प्रेशर क्लियर है यहां तक, ये लिख नहीं सकते थे हम क्योंकि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, ये बाहर घूम रहा है, तो हमें आई कैप जे कैप में अगर करना है तो इसके क्या लेने पड़ेंगे, दो कॉम्पोनेंट्स। तो एक आएगा एक्स के अलोंग और एक आएगा बाहर, बाहर का मतलब जेड के अलोंग, राइट। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। और ऐसे ही आपके पास जो बीसी वेक्टर है, बीसी वेक्टर वो एल माइनस जे, एल माइनस जे। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई क्रॉस जे के क्रॉस जे, तो जब मैथ्स लगाएंगे और फिजिक्स लगाएंगे वेक्टर लगाएंगे तो आपके पास आई और जे में, आई और के में आंसर आएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट सबको आता है, तो जैसे इसमें आई है आई क्रॉस जे के होता है, ऐसे ही ये के है, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर लूप बाहर निकलता है और उसका एम कैसे निकला, एरिया को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब वैसे तो करंट इनटू एरिया सबको पता ही है, प्रॉब्लम ही वहां आने वाली है जहां पर वो वेक्टर लेगा। जेई मेंस के पेपर उठा लो ना, 5 साल में 2 या 3 बार कैपिटल एम का क्वेश्चन आया हो मेरे को कह देना, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं सारे, और इस शीट से बाहर जा नहीं सकते। मैं तो पूरा खोद खोद के देख ली सारी किताबें, जो था मैंने तो शीट तैयार कर दी, इसके बाहर नहीं जाता। अगर नीट में भी आता है या इसमें भी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन एस एल अरोड़ा के अंदर भी गिवन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसके कुछ क्वेश्चन एस एल। और कमाल की बात देखो, मेन्स वालों ने एस एल अरोड़ा का वो क्वेश्चन डाल रखा था 3 साल पहले एज इट इज, ऑफलाइन पेपर का 3रा 4था क्वेश्चन वही था, कैपिटल एम बैंक डायरेक्शन बतानी थी बस कैपिटल एम की, ठीक। तो मतलब इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ये मैं पहले बता दूं आपको, और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के ऊपर भी बहुत हाई है। दोनों शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि उनमें से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से बनी हुई है कि बस आप गो थ्रू करोगे, दैट्स इट, सफिशियंट है, ठीक है यहाँ तक। सो और एनसीईआरटी में नहीं प्लीज, ये शीट्स एनसीईआरटी के लिए नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो है ये हमने कर लिया था, और कोई क्वेश्चन बचा है इसमें से, कि क्लोज होगी शीट, बस हो गई, सारे हो गए डिस्कस, ओके इसको बंद करते हैं। हाँ एक रह गया, सच रह गया, हाँ कोई बात नहीं, खोल देता हूँ।
देखो शीट देना, ओ चला गया, ये दे दो बस एक शीट के वाली दे दो, एक दो मिनट के लिए बस। इसमें मुझे ये बताना है, एक और क्वेश्चन इसमें रह गया, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, शीट खोलने की जरूरत नहीं है, कि आपको ना कुछ ऐसे फिगर्स गिवन है, आप चेक करो, ये एन कैप है और ये बी वेक्टर है, उसी तरीके से ये एन कैप है और ये बी वेक्टर है, तीसरे में ये एन कैप है, एन कैप इज एरिया वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, और ऐसे ये एन कैप है और ये बी वेक्टर है, राइट। तो आपको इसमें ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस केस में मिनिमम है और किस केस में मैक्सिमम होगी, इन चारों केसेस में से सबसे कम किस में, सबसे ज़्यादा किस में है, सभी केस में, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक सिस्टम की होती थी इन द एंड माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा पी की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं टू चेक एनर्जी कितनी है किसी भी एक लूप की, तो ये करंट कैरिंग लूप है बेसिकली, राइट। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, पहले केस में एरिया वेक्टर ये थीटा जो एंगल होता है वो कैपिटल एम और बी के बीच में होता है, कैपिटल एम की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर के साथ होती है, ये सबको मालूम है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी करंट के साथ चार फिंगर घूमेंगी तो एरिया वेक्टर आएगा, और कैपिटल एम का भी रूल सेम है। तो इंस्टेड ऑफ कि आपको ये लूप में करंट दे, करंट की जगह उसने क्या दे दिया, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर दे दिया, अंडरस्टूड है ये कौन सा वेक्टर हो गया, एम वेक्टर हो गया। एम और बी में एंगल कितना है, पहले केस में 180, इसमें कितने 90, इसमें कितने, ये बी वेक्टर इधर जा रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 90, और इसके अंदर क्या बनेगा, लेस देन 90। चार केस हो गए, तो चारों केस असाइनमेंट पे लिखे हुए हैं, थीटा 180 है, थीटा 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, और थीटा लेस देन 90 है। तो अगर आप फर्स्ट केस लेते हो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, में थीटा को 180 पुट करते हो, कॉस ऑफ 180 क्या होता है -1, तो आप चेक कर सकते हो आपकी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है एम बी। सेकेंड केस में 90 पुट करोगे, कॉस 90 जीरो, तो एनर्जी जीरो आ रही है, थर्ड में पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एनर्जी मिनिमम है, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी मैक्स। तो अगर बाई चांस ऐसा कोई लूप आएगा तो किस टाइप से आपने आंसर देना है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, राइट। ठीक, अब ये असाइनमेंट क्लोज होती है, ठीक। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करवा दिया कि छूट ना जाए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक। अगर आप ये सोच रहे हो ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इरोडोव कर करके आप कुछ कर दोगे, तो मैं बिलीव में सच बता रहा हूँ, वहाँ पर इरोडोव का नंबर जो बहुत हाई लेवल की जो बुक्स हैं वो पता कब आता है, वो तब आता है जब आप मेंस में बहुत सही स्कोर करते हो, 200 प्लस की कैपेसिटी है ना, अंदर से अपने आप ही आवाज़ आएगी, अपने आप चीज़ें क्लियर दिखेंगी। 200 प्लस लेना कोई मजाक की बात नहीं है, 200-250 नंबर हम बोल देते हैं, लेकिन जिस दिन बैठोगे ना उस दिन पता लग जाएगा, नहीं आते वहाँ पे लोगों के इतना साल तो दुनिया बैठी होती, ठीक है ना। तो इट्स नॉट ईजी, लेकिन जिनके जेन्युइनली जिनका पोटेंशियल इतना है उन लोगों को फिजिक्स और ये पीसीएम बहुत ईजी लगना भी स्टार्ट हो जाता है एक टाइम पे, उनको रट जाता है सारी चीज़ें पूरे, तो उनको अपने आप ही फिर हाई लेवल की बुक्स सोचती हैं कि अब मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि बाकी बुक्स मुझे ईजी लग रही है। इस तरीके से लेवल्स इंक्रीज होते हैं, और इसी तरीके से मैंने दुनिया को देखा है IIT भी क्रैक करते हुए, विक्रम लड़का था जो भी IIT भी जो उसमें सेलेक्ट हुआ अभी, मतलब मैं बता रहा हूँ उसको हमने ऐसे ही देखा है, उसने पहले पूरा अपना JEE मेंस पैक कर दिया, पूरा टोटल पैक, मतलब उसका तो ये हाल हो गया था नवंबर दिसंबर में ही वॉज रेडी, दिसंबर से लेके अप्रैल तक तो मतलब उसका टाइम नहीं पास हो रहा था कि मैं अपना इतना टाइम पास कैसे करूँगा, क्योंकि उसने +1 भी पैक कर दी थी दिसंबर में, +2 यहाँ से पैक कर दी, उसने +1 भी करता गया, उसने दोनों ही पैक कर दिया, तो जाके वो मतलब उस लेवल पे पहुँचा, ठीक। अब
ओके हमने ये लास्ट टाइम कर लिया था एक्सियल लाइन और ये कह रहे क्या आएगा आएगा अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम हमने ये सब टॉपिक किया था ठीक, और इसी टॉपिक के अंदर जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि डायमैग्नेटिक के एटम मैग्नेट की तरह क्यों नहीं एक्ट करते, क्योंकि उनका स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट का डायपोल मोमेंट आपस में क्या कर जाता है, कैंसल। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर वो कैंसिल नहीं कर पाता, क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, राइट। तो ये कुछ ऐसा हमने सीखा था, हमने डायमैग्नेटिक, हमने पैरा और फेरो के बारे में बात किया। लास्ट चैप्टर आपका डी चैप्टर पेंडिंग है 2 मिनट के लिए, अब सीक्वेंस चल रहा है इसे कंटिन्यू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करने से पहले आपको दो चार चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ उनमें से क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये तो वैसा ही फील दे रहा है जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट, एप्साइलन आर, एप्साइलन एम, म्यू नॉट, म्यू आर, म्यू एम। तो ये तो वैसी वैसी फीलिंग दे रहा है कि कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो अभी तक हमने मीडियम जो लिया वो क्या लिया, हमेशा वैक्यूम लिया। पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि मीडियम हमेशा वैक्यूम हो, मीडियम तो कोई और भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये सब मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज है। कोई एब्सोल्यूट है, कोई रिलेटिव है और कोई किसी मीडियम की है, राइट। जैसे परमिटिविटी है वो अलग बात है कि हम नॉर्मली वैक्यूम में ही काम करते हैं, हम मीडियम में इसमें काम करते ही नहीं। तो हमारी थोड़ा सा ये चैप्टर इजी की तरफ चला जाता है, मीडियम का चक्कर ही नहीं है इसमें। बट पता होना चाहिए, एंड में जाते हुए चैप्टर आपको बता रहा है कि चिंता ना करना, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है, हम नहीं कर रहे। तो जाते हुए बता रहा है कि म्यू आर भी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होती है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी इस केस में क्या होती है, म्यू आर इज ऑलवेज इक्वल टू बी मीडियम बाय बी नॉट। अगर कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है वो क्या होगा, मीडियम, नहीं तो नॉट लिखा होगा, नॉट का मतलब है वैक्यूम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम में निकाला जाए और वैक्यूम में निकाला जाए, इनकी जो रेशियो होगी वो आपको क्या देगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। तो इतनी कोई इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से चलता है। और आपने कुछ नहीं पढ़ना, कोई डेफिनेशन भी नहीं पढ़नी इस चैप्टर की, कोई टेंशन नहीं है, बस जो मैंने बताया उसको बस उसमें बॉक्स में डाल लो। जरूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट खुद डेफिनेशन बना सकते हैं कि ये डेफिनेशन है, राइट। और उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन, जो सेकेंड डेफिनेशन है, दैट इज म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट। क्यों, क्योंकि बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। जो बी नॉट होता है म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बी एम क्या होगा, म्यू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन रिजल्ट क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो पहला पॉइंट क्लोज, तो बस इतना ही समझ में आना चाहिए और जरूरत नहीं है, रादर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम मीडियम में काम करने ही नहीं वाले, बात ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्या, बी, खत्म हो गया अब तो चैप्टर, अब तो यूनिटी खत्म कर दिया, बी निकाल लिया जहां निकालना था। तो जाते हुए बता रहा है, अब मैं बी को डिफाइन कर देता हूं क्या होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन जरूर बनाई है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी, बी क्यू वी साइन थीटा। तो अगर चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी बॉडी की 1 मीटर पर सेकेंड है, और एंगल कितना है 90, तो बी किसके इक्वल आएगा, एफ के। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि बी मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के इक्वल है जो फोर्स एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा जिसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है, और वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 और मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद मैग्नेटिक फील्ड। तो उस फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, या फिर फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, इसके बहुत नाम है। तो नाम नाम याद कर लो, पता लगे आपको सीबीएसई वाले फंसा लें, वो कहें डिफाइन फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आपको ये तो मैं करवाई नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब बी, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बी,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब बी, ये सब बी है, ठीक, नाम नाम पे बस बॉक्स लगा लेना, बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें काम की है, पहली ये डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन को क्या नाम दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और दूसरी इसकी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये दो चीजें काम की हैं, क्वेश्चन आना भी इन दो के ऊपर ही है, मतलब अब से लेके अगले 15 मिनट तक जो मैं समझाऊंगा उस पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, व्हाट इज एच, मतलब सिंबल इज एच, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स या व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बड़ी कंफ्यूजन है इन नामों में। मैग्नेटिक इंटेंसिटी नाम से लगता है बी की बात हो रही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी की बात हो रही है, और मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब किसी फोर्स की बात हो रही है, ना ये फोर्स है ना ये बी है, ये तो एच है। अब ये एच क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखो बहुत ध्यान से अब समझना, ये एच क्या चीज है, पहले मैं अपने वर्ड से समझाता हूँ फिर इसकी बात सुन लेते हैं। सपोज मैंने आपको ये कहा कि आप इस आयरन का पीस को मैग्नेट बना दो, तो आपने कहा ठीक, लॉजिक क्या था मैग्नेट बनाने का, इसके अंदर जो एटम्स का जो डायपोल मोमेंट था वो रेंडमली ओरिएंटेड था, और आपस में सारे एम एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसल कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस आयरन के पीस को अगर मैग्नेट बनाना है तो सभी डायपोल मोमेंट को एक तरफ प्लेस कर दे, जब मैं सारे के सारे डायपोल मोमेंट को राइट की तरफ प्लेस कर दूंगा तो ये इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। वो क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है एटम का तो यानी कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेटिक कैपिटल एम की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, तो सारे नॉर्थ इधर आ गए सारे साउथ इधर आ गए, कुल मिला के बहुत बड़ा मैग्नेट बन गया। तो बेसिकली मैग्नेट बनाने का मतलब सभी एटम के डायपोल मोमेंट को एक तरफ प्लेस कर देना, कोई डाउट इसमें, ठीक है आता, क्लियर है आता। तो इस केस में, इस केस में मैं ये चाहता था, और ऐसा करने के लिए मुझे यहां पर कोई साउथ पोल रखना पड़ना था और यहां पर एक्सटर्नल कोई नॉर्थ रखना पड़ना था, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल समझते हो, इन दीवारों को साउथ और नॉर्थ करना पड़ना था, यानी कि मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा ताकि सारे ये जो साउथ है सारे नॉर्थ को अपनी तरफ खींच ले और जो नॉर्थ है सारे साउथ को अपनी तरफ खींच ले और ये मैग्नेटाइज हो जाए। नमन क्लियर है यहां तक, देखना भी होता है, ठीक, मैग्नेटाइज हो, कोई डाउट इसमें, तो ये मैग्नेट बन गया, ठीक। अब किसी ने कहा कि सर आप करोगे कैसे ये, मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, मैं मैग्नेट लेके आऊंगा। उसने कहा इतना बड़ा मैग्नेट लेके आओगे, लोहे का पीस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, अब मैग्नेट इतना बड़ा कहां से, मतलब 10 किलो 20 किलो 40 किलो 100 किलो का मैग्नेट रखोगे, बड़े बड़े पोल्स रखोगे, और मान लो अगर मैग्नेटाइज ना हुआ फिर मैं कहूंगा और मैग्नेट ले आऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये पूरी तरह मैग्नेटाइज करना है तो हो सकता है मेरे को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े, और मैं क्या बड़े बड़े नॉर्थ बड़े बड़े साउथ रखूं या दीवार जितने बड़े बड़े, नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, ऐसे मैग्नेट्स नहीं रखेंगे, हम एक सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि सोलेनोइड रखेंगे। हमें पता है कि सोलेनोइड में करंट गया ये नॉर्थ और सपोज ये साउथ, तो अंदर ही अंदर ये क्या बन गया, एक मैग्नेट। तो मैं आयरन के पीस को इसके अंदर रख दूंगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि फिजिकल मैग्नेट्स नहीं लेके आने, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेने, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि सोलेनोइड के अंदर उस लोहे के पीस को रखेंगे, वो अपने आप ही थोड़ी देर में मैग्नेटाइज होगा। अगर किसी ने कहा कि सर क्या पता ये सोलेनोइड कम फील्ड अप्लाई करता हो, बी की वैल्यू कम अप्लाई करता हो, तो फिर क्या करें, करंट बढ़ा दो, सही है, कोई बोला करंट बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि उस स्टूडेंट को पता है कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, वो कहता करंट बढ़ा दो तो बी बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। अब मैंने कहा यार करंट कैसे बढ़ाऊं, मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, कोई और तरीका बता, करंट नहीं है मेरे पास, करंट उतना ही है। तो उसने कहा एन बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दो, अगर एन बढ़ाओगे तो बी बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। अब मेरे पास तो बढ़िया हो गया, दो दो तरीके हो गए, या तो मैं एन बढ़ाऊं या मैं आई बढ़ाऊं, अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो जाएगा, बी। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं और बी
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी को बढ़ाना चाहता हूं, या तो मैं एन बढ़ाऊंगा या मैं आई बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, या मैं एन बढ़ाऊंगा या मैं आई बढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी बढ़ाऊ। ये बोलने में बड़ा लंबा है, एन बढ़ाऊंगा या मैं आई बढ़ाऊंगा, एन बढ़ाऊंगा या मैं आई बढ़ाऊंगा। इसकी जगह शॉर्टकट है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच, खत्म कहानी, वेर एच इज इक्वल टू एन है, मैं एच बढ़ाऊंगा। अब खुद समझ लेना, या मैं एन बढ़ाऊंगा या मैं आई बढ़ाऊंगा। तो डेफिनेशन आ गई, एच का मतलब क्या हुआ, एच का मतलब एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स और आई के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने एच बढ़ा दिया, अब मेरे को ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि मैंने एन बढ़ाया या मैंने आई बढ़ाया, दोनों में से कुछ तो बढ़ाया, क्या आप तो दोनों बढ़ाए हो, पर अल्टीमेटली एच बढ़ने से क्या बढ़ा, बी बढ़ा। पॉइंट समझ में आया? तो ये लंबा सा टर्म बोलने की बजाय छोटा टर्म बोल दिया, और इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो फॉर्मूला बी का क्या बन गया, म्यू नॉट इन टू एच, रादर बी के पैर में नॉट डाल दूं, ये नॉट है तो नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच, एक ही बात है, आपने डालना आप भी डाल लो चाहे, नहीं तो कंफ्यूजन होगी ना, ये मीडियम तो नहीं है कहीं, वैसे तो वैक्यूम ही है, पर फिर भी डाल लो, यानी कि वैक्यूम की बात हो रही है। पॉइंट समझ में आया कि ये एच का मतलब है क्या? तो आज के बाद अगर एच बढ़ा तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बी बढ़ाना चाहता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है। अभिषेक नैन, आर्यन, कुणाल, समृद्धि, सिमरन, यजुर, ठीक। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, ओके। ये सबसे आसान चीज है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ नहीं करना आपने। हाँ, वो अगर H के यूनिट्स पूछ ले तो H का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, N into I, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और into करंट का मतलब एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर, ठीक। तो जो एच आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर पर मीटर, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है यहां तक। एक और डेफिनेशन है, बस ये लास्ट है, जिसको बोलते हैं आई। अब आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो नाम से ये भी कोई कम नहीं है कंफ्यूज करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वो नाम एक जैसे ही है। ये देखो इसका नाम क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और बी का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो ये समझो, मैं ना सिंबल से याद करता हूं इसे आई, इसलिए मैं आई ज्यादा बोलता हूं और नाम कम बोलता हूं, ठीक, मुझे सिंबल से ज्यादा डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है। देखो तो इसके अंदर अब मैं आई को डिफाइन करता हूं, देखो आई का मतलब है कि एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ जब आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जितना वो मैग्नेटाइज हुआ उसको हम आई बोलते हैं। जैसे आपने तीन पीस लिए, एक स्टील का, एक आयरन का और एक और सॉफ्ट आयरन का, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे अप्लाई किया, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, एन इंटू आई बढ़ाया, अल्टीमेटली आपने बी बढ़ाया। तो हुआ क्या, जो आयरन था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया,
क्योंकि उसके सारे के सारे एटम्स एक तरफ लाइन हो गए। हो सकता है स्टील के सारे ना हुए हों, यानी कि स्टील उतना मैग्नेटाइज नहीं हुआ, लेकिन फील्ड तो आपने बराबर अप्लाई किया ना। तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, कौन कम हुआ और कौन बिल्कुल नहीं हुआ? आए आए जिसका बड़ा होगा वो उतना ही मैग्नेटाइज होगा, आए जिसका छोटा होगा वो उतना ही कम मैग्नेटाइज, और आए जिसका जीरो होगा वो समझो मैग्नेटाइज हुआ ही। राइट, एच का मतलब मैग्नेटाइज करने के लिए फील्ड बढ़ाना, आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफरेंशिएट करना। राइट, तो आई निकलता कैसे है? आई निकलेगा कि आपके पास कोई भी एक आयरन का पीस है जिसको आपने मैग्नेटाइज किया, तो इसके सारे के सारे एटम एक तरफ हो गए, तो इन सभी एटम्स का कुल मिला के कोई डायपोल मोमेंट होगा। तो जो भी डायपोल मोमेंट होता है और ये एटम कितने वॉल्यूम में पड़े हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? राइट, तो एक सब्सटेंस जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस पूरे सब्सटेंस का उतना ही बड़ा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ऋषि यहां तक? तो सारे एटम अलाइन हो गए, तो इस क्योंकि कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m1 m2 m3 सब ऐड हो गए, तो बहुत बड़ा डायपोल मोमेंट आएगा और डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। तो एक क्या चीज सीखी हमने? एच। एक क्या सीखी? आई। अब आई की ना लिमिट है। आप मुझे कहो सर ये देखो ये एक लोहे का पीस है, मैंने कहा हाँ ठीक सर, इसको मैग्नेटाइज कर दो, मैंने कहा कर देता हूँ। तो उसने कहा ये लो पकड़ो, मैंने कहा ये देख मैं इसको सॉलिड में रखूंगा, मैं एच बढ़ाऊंगा, देख इसके सारे एटम एक तरफ लाइन हो रहे हैं, सारे एरोज डायपोल मोमेंट के एक तरफ हो रहे हैं और मुझे लग रहा है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने वाला है। तो ये मैग्नेटाइज 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 हो गया, ये ले मैग्नेटाइज हो गया। तो उसने पूछा सर आई की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 10, कुछ भी बोल दिया 10। तो उसने कहा सर और मैग्नेटाइज कर दो, मैं वो और कैसे करूं, सारे एटम 10 करोड़ एटम थे, 10 करोड़ के 10 करोड़ तेरे ऐसे करके दे दिए, अब और ओरिएंटेशन क्या चेंज करूं? अब जितना इससे मैग्नेटाइज होना था अब ये हो गया। राइट, इससे ऊपर कैसे करोगे? इससे ऊपर तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि सारे एटम जब एक तरफ हो जाएंगे तो जितना उससे मैग्नेट बनना है उतना वो बन गया। राइट, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि सर आप अप्लाई तो करके देखो एच और ज्यादा, मैंने कहा देख एच तो मैं जितना मर्जी अप्लाई कर दूंगा क्योंकि एच मेरे हाथ में है, तो बोल नंबर ऑफ टर्न कितने करने हैं, वो कह रहे 1000 और बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दिए। उसने कहा 10000 और बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दिए। उसने कहा 1 लाख और बढ़ा दो, भाई तार मेरी है मैं जितनी मर्जी बढ़ाऊं बढ़ा दिए। ठीक, उसने कहा करंट भी बढ़ा दो, मैंने कहा करंट भी बढ़ा देता हूं, तो जितना कहेगा उतना कर ले। पर अगर तू ये सोच रहा है कि इसकी ओरिएंटेशन तू और चेंज कर लेगा वो नहीं हो सकता। तो अब जितना भी आए तेरा आया था बस तेरे को उसी से संतुष्टि करनी पड़ेगी, बस आए की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब तू ये सोचे ये इतना सा पीस दुनिया भर के लोहे को खींच लेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। राइट, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आए आए की एक लिमिट है एक सब्सटेंस की। हाँ, आप ज्यादा फील्ड अप्लाई करते हो तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, नो डाउट। आप और अप्लाई करते हो वो और मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ के एटम में से अभी हो सकता है 50 करोड़ ओरिएंट हुए हुए इस तरफ, बाकी पड़े हो। जब तक वो नहीं हो जाते, धीरे धीरे होते हैं वो, तब तक वो और मैग्नेटाइज होता रहेगा। लेकिन एक बार सारे के सारे ओरिएंटेशन एक तरफ हो गई, उससे ज्यादा अब वो आय को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम मैक्सिमम हो जाएगा जो होना है, इससे ऊपर नहीं होने वाला। राइट, पॉइंट समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? और आय के अगर कोई ये पूछे कि आय के यूनिट्स क्या है, तो आय के यूनिट्स के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? करंट इंटू एरिया, सबसे आसान फॉर्मूला यही था, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर का क्यूब, और एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो गया? एम्पियर पर। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि एच के यूनिट्स भी बिल्कुल सेम थे? एच के यूनिट सेम थे, आई के यूनिट्स भी, तो एच और आई वैसे एक जैसी ही क्वांटिटी है, तो एच और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एच इंक्रीज किया तो आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, मैंने एच और इंक्रीज किया आई और इंक्रीज हुआ। अब मैं एच को इंक्रीज करता जाऊंगा, आई की मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, उससे ज्यादा आई इंक्रीज हो नहीं पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? गुड आउट। ठीक है।
ओके नेक्स्ट, तो ये मैंने बता दिया एम्पियर पर मीटर यूनिट्स में. नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है ससेप्टिबिलिटी. सुना सा हुआ है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं, वो तो ऐसे धक्के से काय इज इक्वल टू 1 प्लस के प्रूव किया था. ये इसके प्रोपोर्शनल है, उसके प्रोपोर्शनल. पोलराइजेशन डेंसिटी याद है कैपेसिटर के अंदर एंड में, तो वो आता होता है एनसीईआरटी में. एप्लीकेशन नहीं थी इसमें, एप्लीकेशन है. तो काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ आई डिवाइडेड बाय एच. एच का मतलब आपने फील्ड कितना अप्लाई किया, आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ. जैसे आपके पास तीन सब्सटेंस हैं, या आपके पास तीन किस्म के मटेरियल्स हैं, राइट? तो काय की वैल्यू का फॉर्मूला इज आई डिवाइडेड बाय एच. तो आपने तीनों मटेरियल्स को सोलेनोइड में रखा और एच की वैल्यू तीनों को क्या दी, सेम. पर कोई सब्सटेंस 10 मैग्नेटाइज हुआ, कोई 8 हुआ और सिर्फ कोई 2 हुआ. तो आई की वैल्यू अपने अपने मटेरियल पे डिपेंड करेगी. तो हम बोलेंगे काय की वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी कम है और इसकी बहुत कम है. क्योंकि काय क्या होता है, आई डिवाइडेड बाय एच. तो डेफिनेशन से पता लग रहा है कि काय जिसका ज्यादा सब्सटेंस उतना ही नेचर में क्या होगा, मैग्नेटिक. लोहे का काय बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो तो जरा सा आपने एच अप्लाई किया वो तो आई बहुत अचीव कर लेता है. सब्सटेंस बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत ज्यादा भी मैग्नेटाइज होता है. तो काय ज्यादा सब्सटेंस उतना ही मैग्नेटाइज. काय जीरो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है ही नहीं. काय नेगेटिव भी होता है. काय नेगेटिव का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दुश्मन है, ये दोस्त है. लोहा साथ में लाइन हो जाता है और जो डायमैग्नेटिक्स होते हैं ना उनका काय नेगेटिव होता है. ये तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करते ही नहीं. इनको तो रखो, ये दूर भाग जाएंगे वहां से. ये मैग्नेट रहना बनना पसंद नहीं करते. लोहा करता है वो खुश है तो काय पॉजिटिव. जिनका जीरो वो बाहर, ना मैं इधर ना मैं उधर, मैं मैग्नेटिक ही नहीं हूं. तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट? पैरा फेरो पॉजिटिव होते हैं, डाया का नेगेटिव होता है. व्हाट समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन आएगा ये, मैं बता रहा हूं आपको पेपर में, काय किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव. ठीक, डाउट इसमें होता ही नहीं. सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस टॉपिक को दो मिनट बाद में आ रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी. इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमने लास्ट टाइम किया था. कितने टाइप के मटेरियल थे, डाया पैरा और फेरो. डाया की नेचर हमने देख ली. डाया का एग्जांपल याद कर लो दो, कॉपर एंड गोल्ड. ये इनके एटम बाई नेचर मैग्नेट नहीं होते, पर इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें दे विल रिएक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं क्योंकि बाय नेचर ये एटम मैग्नेट नहीं थे. आपने जबरदस्ती ने मैग्नेट बनाया है और अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करोगे ना वो आपका दुश्मन है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का दुश्मन है, ये दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ये पसंद नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड में रहना, राइट? तो डायमैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे. देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का आएगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर. ये सब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आने, नीट में भी, मेंस में भी और सीबीएसई तीनों में आते हैं. बहुत पसंद है लगता है डालने वाले को ये क्वेश्चंस. ठीक, क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं डाया की? अगर आप कॉपर और गोल्ड को, डाया मैग्नेटिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टांग दोगे, आयरन होता ना फटाफट भाग के इसके साथ अलाइन हो जाता कि मैं खुश हूं, देखो मैं मैग्नेट बन गया. ये कॉपर है, ये दूर भागता है, ये क्या करेगा, अब ऑपोजिशन शो करेगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा, मैं नहीं जाता मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो इसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये ऐसा, इसके एटम पहले मैग्नेट थे नहीं पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट. तो ये ऐसा मैग्नेट बनता है कि ये आपके अप्लाइड फील्ड को ही अपोज करता है. तो मैग्नेट अलाइन होने की बजाय परपेंडिकुलर ही हो गया, बातें खत्म हो गई. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई इसको पाउडर बना के रख दे कि चलो देखो अब कहाँ जाएगा, पाउडर बना के किसी कटोरी में रख दिया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था वहां से पाउडर गायब हो गया और जहां वीक था वहां जाके बैठ गया. अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को तो अपोज ही करता है, ये दूर भागेगा.
थर्ड किसी ने कहा मैं इसको पिघला के डाल दूंगा यूट्यूब में, लिक्विड फॉर्म में कॉपर ले लिया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और यहां वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग से हट गया और लेवल नीचे गिर गया और वीक की तरफ चला गया। अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। कौन से मटेरियल की बात हो रही है? डाया। डाया याद रखना कि बनाने को आएगा डायग्राम, डाया मैग्नेटिक, राइट। ये बहुत आता है पेपर में, वो ऐसा डायग्राम बना देता है, कहते बताओ कौन सा मटीरियल है? डाया। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इस जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो लाइंस इनके अंदर से क्रॉस नहीं होती, ये अपने अंदर से क्रॉस होने नहीं देते क्योंकि ये क्या करते हैं, उसे अपोज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछता है, डायग्राम देख के बताओ ये कौन सा, डाया पैरा की फेरो, डाया दूर भाग रही है लाइंस इसमें, राइट। या ऐसा भी पूछ लेता है, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन केस ऑफ अ डाया मैग्नेटिक मटीरियल, तो लाइंस ऐसे बनानी है, अंदर से कोई पास नहीं करनी, ठीक। नेक्स्ट है, इनका काय नेगेटिव होता है। ये क्यों नेगेटिव होता है, मैं भी आपको ये बता रहा हूं अभी। इनका जो इनकी जो एक ना रिलेशन अभी हम करने वाले हैं काय का और म्यू आर का, जो भी मैंने स्किप किया था बीच में, तो वो रिलेशन ये है कि म्यू आर जो होता है दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी इस मटीरियल की जो होती है 1+ काय के इक्वल होती है, और इन मटीरियल का जो म्यू आर होता है वो लेस देन 1 होता है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है जैसे 0.9 या 0.8 है तो काय ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। आपने ये नहीं याद रखना, आपने याद रखना है तो डाया मैग्नेटिक मटीरियल का काय क्या होता है, नेगेटिव। ये भी करना है कर लो, म्यू आर लेस देन 1 होता है की बात है, वैसे भी कुछ करने की जरूरत क्या है, ये फॉर्मूला तो अभी मैं आपको प्रूव करवाई दूंगा, काय इसका क्या है नेगेटिव है, तो अंडरस्टूड है म्यू आर लेस देन 1 ही तो आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म 1 में ऐड हो जाएगी, तो याद भी क्या करना हो ही जाएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर अ मटेरियल, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होंगे, कंसीडर अ मटेरियल हुज काय इज नेगेटिव, फिर क्वेश्चन पूछेगा यानी कि डायमैग्नेटिक, कोई ना कोई इन प्रॉपर्टी में से हिंट जरूर देगा जिससे कि आपको यह पता लगेगा कि मटीरियल डायमैग्नेटिक है, कुछ भी यूज करेगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। किस्मत बहुत अच्छी हो, पुराने पेपर खोल के देखोगे ना नीट और मेंस के अंदर इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मतलब डायग्राम देखते ही आप बता सकते हो कि ये कौन सा मटेरियल है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए नीट और मेंस दोनों में।
इस केस में काई क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेगेटिव राइट। फिर पैरा के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट किए गए, प्लीज दो नाम याद कर लो एल्यूमिनियम और प्लेटिनम पैरा, कई बार एग्जाम्पल लिखने को आ जाता है कॉपर गोल्ड डाया और एल्यूमिनियम और प्लेटिनम पैरा ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पैरा के अंदर, देखो पैरा के अंदर ये पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रहना, तो ये अलाइन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। लिक्विड की फॉर्म में लेवल स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ चढ़ जाएगा, वीक से नीचे उड़ जाएगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए, सारी की सारी लाइन इनमें से पास हो जाती है, यानी कि पसंद करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनमें से पास हो। और काय इनका पॉजिटिव, फेरो का तो बहुत बड़ा होता है पॉजिटिव और पैरा का थोड़ा सा कम, लेकिन होता पॉजिटिव ही है। प्रॉपर्टीज क्लियर है इनकी, ठीक है यहाँ तक। और एक टॉपिक जो मैंने छोड़ा है पीछे, ये भी बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन क्या नाम है ये, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये क्या होती है, म्यू आर भी हो सकता है, म्यू एम भी हो सकता है, म्यू नॉट भी, परमिबिलिटी तो या वैक्यूम की या मीडियम की या रिलेटिव कुछ भी, एंड ससेप्टेबिलिटी काय। वैसे बता देता हूँ ये रिलेशन जो आएगा म्यू आर का निकालना है काय के साथ राइट। तो काय का म्यू आर के साथ रिलेशन होता है, दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी के साथ रिलेशन होता है। तो म्यू आर का और काय का क्या रिलेशन है ये पढ़ने के लिए, सबसे पहले एक लोहे का आयरन का पीस लो, आयरन का पीस आपने वैक्यूम में रखा ठीक, वैक्यूम के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी नॉट, बी नॉट, तो बी कितना अप्लाई किया बी नॉट। इस वैक्यूम में अभी किसका फील्ड है, सिर्फ आपका, कितना बी नॉट। थोड़ी देर में आयरन भी क्या हो गया मैग्नेटाइज, आयरन मैग्नेटाइज हुआ, आयरन ने भी फील्ड लगाना शुरू कर दिया। अब यह मीडियम वैक्यूम नहीं रहा, अब ये एक नया मीडियम बन गया विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्यूम एंड आयरन, एक नया मीडियम हो गया ना जिसमें वैक्यूम भी है, प्योर वैक्यूम तो नहीं रहा ना, वैक्यूम के अंदर आयरन का भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी कि वैक्यूम प्लस आयरन का कॉम्बो बन गया ये। तो इसीलिए ये बी एम होगा, बी मीडियम। तो अब ये जो नया फील्ड आया वो बी मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड प्लस आयरन का। अब आयरन का फील्ड कैसे निकलता है प्लीज ध्यान से समझना। रूल नंबर वन, ये बताओ कि एच और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है राइट। एच और आई में यूनिट सेम है ठीक। नेक्स्ट, बी की वैल्यू म्यू नॉट इनटू एच, ये सबने सुनी हुई है राइट, ये फॉर्मूला था अभी। मैंने ये एच कौन अप्लाई करता है, ये मैं करूंगा, कैसे, या तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स या इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, एक चीज करके। तो अगर मैं एच बढ़ाऊंगा तो मेरा बी भी बढ़ेगा, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है यहां तक ओके। एच का क्या पर्पज होता है, कि बी बढ़े। अब मुझे पता है कि आई का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, और एच और आई के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो क्या आएगा, टेस्ला। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टेस्ला, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेस्ला, क्योंकि एच और आई के यूनिट्स तो सेम है। लेकिन ये टेस्ला का मतलब वो टेस्ला है
जो मैंने अप्लाई किया ताकि सब्सटेंस क्या हो जाए, मैग्नेटाइज। और ये जो टेस्ला है ये इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो चुका और ये सब्सटेंस ने प्रोड्यूस करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड। जब सब्सटेंस आई मैग्नेटाइज हुआ तो वो बी जनरेट करेगा। अगर मैं मैग्नेटाइज हो जाता हूँ, आई विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो मैं बी जनरेट करूंगा। तो मैं कितना बी जनरेट करूंगा? जितना मेरा आई ज्यादा होगा। तो आई को अगर म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाता है? बी। तो टेस्ला में यूनिट्स आते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? म्यू नॉट को टेस्ला एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ला, म्यू नॉट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेस्ला। यानी कि आएगा तो इन दी एंड बी ना दोनों से, लेकिन एक बी का मतलब जो मैंने अप्लाई किया, एक बी का मतलब जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होके खुद जनरेट करता है। पॉइंट समझ में आया? ठीक, क्लियर एकदम? कि कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा, फिर से, एच का मतलब सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को मैं इंक्रीज करूंगा ताकि सोलेनोइड का बी इंक्रीज हो जाए, राइट? तो मैं फील्ड अप्लाई कर रहा हूं आयरन के आसपास, ये मैंने अप्लाई किया ताकि सब्सटेंस क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। तो मैंने बी कितना जनरेट किया? म्यू नॉट इनटू एच। एच हम अप्लाई करते हैं और सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होता है उसको मेजर आई से किया जाता है। ये समझ में आ रहा है कि म्यू और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट तो बी के ही आएंगे, टेस्ला में आएंगे। तो मान लो आयरन मैग्नेटाइज हो गया, मैंने सपोज करो म्यू नॉट इनटू एच मल्टीप्लाई करके 15 टेस्ला का फील्ड अप्लाई किया था, राइट? सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होके मान लो सिर्फ 2 टेस्ला फील्ड जनरेट कर रहा है। अब एच और आई सेम थोड़े होंगे, राइट? तो आएगा तो ये भी टेस्ला, आएगा ये भी टेस्ला। ये टेस्ला 15 टेस्ला मैंने अप्लाई किया ताकि सब्सटेंस मैग्नेट बने, सब्सटेंस मैग्नेट बन गया। तो अब सब्सटेंस कितना बी जनरेट कर रहा है? सिर्फ 2 टेस्ला का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्लियर है ये मैथमेटिकल? हाँ, डायमेंशन ले रहे हैं। अच्छा, वो मैं बताता हूँ उसको क्या करना है, रुको एक मिनट। यहां तक क्लियर है? पहले ये तो समझ में आ रहा है कि ये टेस्ला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वो ये कह रही है कि आपने आयरन की बात की, इन शॉर्ट वो ये कह रही है आपने आयरन की बात की तो आपने यहां मीडियम क्यों नहीं लिया, आपने वैक्यूम क्यों लिया? सही है ना? आयरन की बात की, आयरन तो मीडियम है तो आपको म्यू एम लेना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है। आयरन को वैक्यूम में रखा, आयरन को वैक्यूम में रखा तो मैं कैलकुलेशन म्यू नॉट से करूंगा, लेकिन जब आयरन भी अपना फील्ड जनरेट करेगा वैक्यूम में तो वैक्यूम एंड आयरन अब एक नया मीडियम तैयार हो गया, राइट? तो इसीलिए ये मेरा फील्ड बी नॉट, सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं हुआ तो बी नॉट, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, इतना फील्ड सब्सटेंस का जनरेट हो गया। जब वो किस में पड़ा हुआ है? वैक्यूम में। अब वो प्योर वैक्यूम नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? एक मीडियम तैयार हो गया विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्यूम एंड आयरन। तो इसीलिए नेट फील्ड इन दोनों का अब सम होगा, वैक्यूम का भी और साथ में आयरन का भी। और ये इसके पैर में डालना है तो एम डाल लो, ये जो बी आया अब एक किसी नए मीडियम का आया, दैट इज सम ऑफ वैक्यूम एंड आयरन। ये बी एम कर लो, ये बी एम कर लो। अब बी नॉट मैंने कैसे प्रोड्यूस करवाया था? एक्सटर्नल सोलेनोइड से, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इनटू एच। ये फील्ड मैंने जनरेट किया, ये उसने जनरेट किया, म्यू नॉट कॉमन आ गया, बी मीडियम का क्या आया? म्यू नॉट इनटू एच प्लस आई। अब मुझे एक चीज पता है, काई क्या होता है? आई बाई एच अभी किया, आई क्या होता है? काई इनटू एच। तो पिछले एक्सप्रेशन में आई की जगह एच इन टू काई, एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, बी बाय एच हो गया। ये क्या है? बी इन मीडियम, दिस इज बी इन मीडियम। तो मुझे एक चीज बताओ, बी इन वैक्यूम इज म्यू नॉट इन टू एच, बी मीडियम म्यू एम इन टू एच। तो अगर मैं बी मीडियम को एच से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? म्यू एम की। तो मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, लिख लो बी एम
बी इन मीडियम को एच से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इन मीडियम। इसके पैर में एम डाल लो, चाहे इसके पैर में एम डालो, इसके पैर में एम डालो, इसके पैर में भी एम डालो, तो म्यू किसका आया, वैक्यूम का नहीं आया, म्यू किसका आया, मीडियम का। समझ आ रहा है? तो म्यू मीडियम का आया, इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो और म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट क्या बन गया, म्यू। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है कि ससेप्टेबिलिटी और म्यू आर परमिएबिलिटी में रिलेशन निकालो। ठीक, ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ तक हमने कर लिया था पैरा फेरो क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर ये लॉ, ये बता, लॉ ही लॉ है बस, इसमें चार लाइनें हैं, कुछ नहीं आता इसमें से भी। क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बताता है कि किसी भी सब्सटांस की जो आई की वैल्यू, आई का मतलब सब्सटांस कितना मैग्नेटाइज हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जितना बी ज्यादा होगा सब्सटेंस उतना ही मैग्नेटाइज होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कम ही होनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी।
कंबाइन किया बी बाई टी, और बी जो होता है वो एच के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा बी होगा, तो यहां पर एच बी की जगह क्या पुट किया एच, तो एच बाई टी, तो यहां से आई और एच एक तरफ वन बाई टी, आई और एच की रेशियो क्या बोलते हैं काए, और यहां पर कॉन्स्टेंट आएगा, इस कॉन्स्टेंट को क्यूरीज कॉन्स्टेंट बोलते हैं, काए इज इक्वल टू सी बाई टी। तो आज के बाद वैसे तो देखा नहीं गया, पर फिर भी आज के बाद अगर मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन आ गया और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन में टेम्परेचर वर्ड उसने यूज कर दिया, तो समझ ले रहा कि क्यूरी ने ही टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना था, बाय चांस अगर आ गया। मैंने आज तक एक ही बार न्यूमेरिकल करवाए हैं, मेरे पास बने पड़े हैं न्यूमेरिकल, फोटो कॉपी दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद मैंने नहीं करवाए और वो आए भी नहीं पिछले, मतलब आप लगाओ कि 7-8 साल से मैंने नहीं करवाया इसके ऊपर न्यूमेरिकल, और ये आई भी नहीं, और कोई भी नहीं करवाता इस पर न्यूमेरिकल, और ये आते भी नहीं है, ये बोर्ड तक यहीं तक आएगा बस, मैंने नहीं देखे कभी, देखा नहीं मैंने कभी। न्यूमेरिकल बड़े कॉम्प्लेक्स हैं इसके, मैं दे दूंगा फोटो कॉपी मेरे पड़े हुए हैं, चाहिए तो 3 पेज ही हैं, आप खुद एक बार ट्राई कर लेना, पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी कईयों को होता है कि चलो एक बार देख लें क्या है, तो वो देख लेंगे। ठीक, लास्ट टॉपिक है हिस्टैरिसिस। हिस्टैरिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसिस, राइट, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। देखो हिस्टैरिसिस बेसिकली है क्या, मैं बहुत ही एक सिंपल काम करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। लोहे का पीस है, इस लोहे के पीस को, लोहे का पीस मींस मैग्नेटिक सब्सटेंस, जब मैं लोहे का पीस बोलता हूं इसका मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेना है, और आयरन से बढ़िया एग्जांपल नहीं है, ये आयरन का पीस है। मैंने कहा किसी को कि क्या तू इसे मैग्नेट बना सकता है, उसने कहा हाँ बना सकता हूं, कैसे, मैं पोल्स अप्लाई करूंगा आसपास, या मैं सोलेनोइड में इसको डालूंगा तो ये अपने आप ही थोड़ी देर में करंट या एन बढ़ाऊं एच बढ़ाऊंगा बी बढ़ेगा, ये अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, तो क्या इसका आई बढ़ेगा, हाँ वो कहता बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो हाँ पहले, अभी तो ये बिल्कुल मैग्नेट नहीं है, तो आई का मतलब जीरो, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेट बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और ये मैग्नेट बनता जाएगा, आई बढ़ता 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 जाएगा। लेकिन उसने बता दिया था मुझे कि एक्सपेक्ट मत करना कि आई इनफाइनाइट हो जाएगा, एक वैल्यू के बाद में आई को बढ़ाना, मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, वो लास्ट वैल्यू होगी। मैंने कहा ठीक, तो एक काम कर, इसे मैग्नेट बनाते हैं, और जो भी तू एच अप्लाई करेगा ना, और जो भी तू आई अप्लाई करेगा, आई जो इसमें प्रोड्यूस होगा, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा, तू बस उसको एक टेबल पे लिखता जाइए कि तूने कितना एच अप्लाई किया और आई कितना जनरेट हुआ, तूने कितना एच अप्लाई किया, फिर तूने आई एच बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, आई भी बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसको या तो ग्राफ की फॉर्म में बता दे या फिर वैल्यूज की फॉर्म में। तो वो कहता ठीक है, ग्राफ ज्यादा आसान है, मैं ग्राफ बना देता हूं। तो उसने ग्राफ ऐसा बनाया, H और I का ग्राफ बन रहा है, सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट बनने जा रहा है, H बड़ा I बड़ा, H बड़ा I बड़ा, H और बड़ा I और बड़ा, H और बड़ा I बढ़ गया, H इसके ऊपर जितना मर्जी बढ़ा दो, अब I की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, ये ग्राफ रुक गया, राइट right? तो ये आयरन का पीस क्या बन चुका है, मैग्नेट। मान लो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे इस तरफ ओरिएंट हो चुके हैं, हो गए, कोई डाउट इसमें, 10 करोड़ है, 10 के 10 करोड़ इधर हो गए। मैंने कहा ठीक, उसने कहा लो सर आई मैक्सिमम हो चुका, ये आपका मैग्नेट तैयार है। मैंने कहा बस ठीक है बढ़िया है, अब मेरे को आयरन का पीस मुझे वापस दे, मेरे को लोहा दिया था, मुझे लोहा वापस कर, मैग्नेट क्यों वापस कर रहा है, क्योंकि लोहा तो एक बार मैग्नेट बन गया वो बहुत देर के लिए मैग्नेट ही रहता है, वो नहीं, वो तो पसंद ही नहीं करता ना कि मैं वापस आ जाऊं, वो तो खुश है मैं मैग्नेट बन गया। अब वो कह रहे थे को सर मैंने तो फील्ड अप्लाई कर दिया, जीरो कर दिया, अच्छा ठीक है, वो कहता है मैं एच को कम कर देता हूं, चलो आप कह रहे हो तो मैं इसका एच कम कर देता हूं, सॉल्वेंट के अंदर करंट जीरो कर देता हूं, चलो ज्यादा ज्यादा एच कम एच कम एच कम, तो ठीक है मेरा आयरन का पीस आई कम हो रहा है, एच जीरो कर दिया उसने, देखो सर फील्ड बिल्कुल बंद है। तो मैंने कहा तेरा फील्ड बंद है, मेरा आई थोड़ी ना बंद हो गया, अभी भी आई की वैल्यू पेंडिंग है। उसने कहा सर देखो ये तो नेचर है आयरन की, आयरन एक बार जब मैग्नेट बन जाता है तो वो वापस आयरन जल्दी जल्दी नहीं आता, इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ आई तो आपको बचा हुआ
मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ग्राफ गया ऐसे था, आएगा भी ऐसे, आयरन में ऐसा नहीं हो सकता, या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में आप भूल जाओ कि आपने फील्ड बल दिया फिर वो वापस डीमैग्नेटाइज हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा तो बड़ा चक्कर पड़ गया, तू मेरे को मेरा लोहा वापस से करके दे। अब आई उसमें बचा हुआ था, उसने काम किया, फिर उसने मैग्नेट को यहाँ रखा, सारे डोमेन्स उसके सारे इस तरफ ओरिएंटेड थे, सारे एटम इस तरफ थे, उसका उसका एक मकसद था ये एटम टूट जाए, अपनी ओरिएंटेशन किसी भी तरीके से चेंज कर लें, ये तभी लोहा बनेगा। तो उसने उल्टा फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब पहले सारे एटम ऐसे थे ये लो, सच दैट सभी का नॉर्थ 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 साउथ 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 नॉर्थ 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 साउथ साउथ एंड इस तरफ है। और ऐसा कब हुआ था, जब बाहर का फील्ड उल्टा था, ऐसा था राइट, तो ये सारे ऐसे हो गए थे। फिर उसने ये हटा दिया था, तब भी बात नहीं बनी, तब भी ऐसे रह गए। फिर उसने क्या किया, यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्थ उल्टा नॉर्थ, और यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, ताकि कुछ तो साउथ नॉर्थ सॉरी यहां पर नॉर्थ और यहां पर, ताकि कुछ तो ओरिएंटेशन ब्रेक हो, यहां से रिपल्शन मिले, तो उल्टा फील्ड अप्लाई किया, तो उल्टे फील्ड से ओरिएंटेशन ब्रेक होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब ये जो एटम की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे था, अब वो चाहता है कि वो कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि तो फील्ड के साथ जाना पसंद करेगा। फील्ड पहले इधर था तो सारे एटम इधर थे, फील्ड उल्टा कर दिया, अब वो इधर जाना चाहते हैं, लेकिन जब रास्ते में ओरिएंटेशन चेंज हुई थी तो आई की वैल्यू आपकी कम 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 हो गई थी, और अल्टीमेटली क्या हो गई थी, बीच में जीरो। यानी कि आयरन का पीस जो मैग्नेट बन चुका था उसको वापस आयरन बनाने के लिए आपको एच जीरो नहीं, एच उल्टी तरफ अप्लाई करना पड़ा, सॉलिड में उल्टा करंट दौड़ाना पड़ा, एच को रिवर्स करना पड़ा, ताकि आई क्या हो जाए, जीरो। अब लोहे का पीस हो गया, क्योंकि आई क्या हो गया इसमें, जीरो। अब मैंने कहा जब तूने उल्टा एच अप्लाई कर ही दिया, और कर दे, देखे सही क्या होता है। तो उसने उल्टा एच अप्लाई और किया, अब सारे एटम जो इधर थे, ओरिएंटेशन ब्रेक की थी, अब सारे इधर होने स्टार्ट हो गए, और फिर आई की वैल्यू बढ़ती 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 मैक्सिमम हो गई। अब सारे एटम इस तरफ हो गए इकट्ठे, अब जो मैग्नेट ऐसा था नॉर्थ साउथ वाला, अब वो मैग्नेट ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, फिर से एक बार क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, अब उल्टी तरफ मैग्नेटाइज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो गई, मेरे को आयरन का पीस वापस दे। अब वो क्या करेगा, एच को कम 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 करेगा, वो एच कम 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 करता जाएगा, आई की वैल्यू यहां से कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और एच की वैल्यू जीरो कर दी, पर आई अभी भी जीरो नहीं हुआ, एच जीरो हो गया, फील्ड उसे बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन आयरन एक बार जब मैग्नेट बन जाता है वो जल्दी जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता। तो इस केस में क्या हुआ, वो अभी भी आई की वैल्यू उसमें पेंडिंग है राइट। अब अगर उसको फिर आयरन बनाना है तब उल्टी डायरेक्शन में उल्टा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो उल्टा फील्ड अप्लाई किया फिर से, तो जाके आई की वैल्यू कम होते 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 जीरो हुई राइट, फिर जीरो हो गया। फिर मैंने कहा चल हो ही गया तो एच फिर सीधा भी कर दे, ऐसा किया तो ग्राफ ऊपर चढ़ गया, आई मैक्सिमम हो गया, फिर एच को जीरो किया, आई जीरो नहीं हुआ, एच को उल्टा किया तो आई जीरो हुआ, एच को और बढ़ाया उल्टा, आई मैक्सिमम हो गया, एच को इस तरफ किया आई जीरो हो गया, एच को जीरो किया आई जीरो नहीं हुआ, उल्टा फील्ड अप्लाई किया तो जाके, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा ठीक। पॉइंट समझ में आ गया, तो ग्राफ किसके किसके बीच में बना, एच और आई के। एच का मतलब वो फील्ड जो मैं अप्लाई करता हूं, आई का मतलब वो वैल्यू जो जो ये बताती है सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ ठीक। और असल में क्या हो रहा है, इस ग्राफ को छोड़ो, लोहे का पीस पहले मैग्नेट बना फिर लोहे का पीस बना, फिर उल्टा मैग्नेट बना फिर लोहे का पीस बना, फिर उल्टा मैग्नेट बना फिर लोहे का पीस बना, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, और इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, पहले इधर मैग्नेट फिर जीरो, फिर इधर मैग्नेट फिर जीरो, फिर इधर मैग्नेट फिर जीरो, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना फिर आयरन बना देना फिर नॉर्मल बना देना, फिर मैग्नेट उल्टा बनाना फिर नॉर्मल बना देना, फिर सीधा बनाना मैग्नेट फिर नॉर्मल बना देना, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन राइट। इस पूरे प्रोसेस में एच आगे चलता है और आई इसके पीछे लैग करता है,
पीछे चलता है, तो एच जो है वो आगे चलता है, आई लैग करता है। इसका मतलब क्या है, पहले मैंने एच अप्लाई किया फिर आई बढ़ा, मैंने एच और अप्लाई किया आई मैक्सिमम हुआ, मैंने एच जीरो कर दिया अभी आई जीरो नहीं हुआ, अभी आई जीरो पीछे चल रहा है, फिर मैंने उल्टा एच अप्लाई किया फिर जाके आई जीरो हुआ, फिर मैंने और उल्टा एच अप्लाई किया फिर आई मैक्सिमम हुआ, फिर मैंने एच को जीरो किया आई जीरो नहीं हुआ, पूरे प्रोसेस में आई लैग कर रहा है, पीछे चलता है, राइट ठीक। इस प्रोसेस को जब हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते जाएं, इस प्रोसेस को हिस्टेरेसिस बोलते हैं, ठीक। इस टॉपिक का नाम क्या है, हिस्टेरेसिस, राइट। इस कर्व का नाम क्या है, ये जो बना, हिस्टेरेसिस कर्व। और पूरे प्रोसेस में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हिस्टेरेसिस के अंदर डेफिनेशन है फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ आई, आई का पीछे रहना किससे, एच से। कब, व्हेन अ स्पेसिमेन, कोई मटेरियल किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि अगर उसको मैग्नेट डी मैग्नेट करते रहे तो कैसे करते हैं, एच और आई, एच बढ़ा के आई बढ़ता है, एच जीरो करके आई जीरो नहीं होता, तो इस तरीके से एच और आई के बीच में खेल खेलते रहे, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ के अंदर जैसे सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है या कर्व है जो इसका बना है कुछ इस तरीके से, ये रहा ठीक, ये कर्व ऐसा बनता है, ये ऐसे आगे जाता है, ऐसे आता हुआ, ऐसे आता हुआ, ऐसे आता है, राइट। ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट पर नहीं, यहां नहीं, यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर एच कितना था, पर आई अभी भी जीरो नहीं था, अभी भी सब्सटेंस कुछ हद तक मैग्नेटाइज था क्योंकि आई की कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसमें थी। इस बचे हुए आई को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन आई अभी भी बचा हुआ है, इस बचे हुए आई को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, बचा हुआ मैग्नेटिज्म, कि एक सब्सटेंस के अंदर बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या दूसरा नाम क्या है, रिटेंटिविटी, टी करना, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, राइट। तो रिटेंटिविटी क्या हुई, रिटेंटिविटी वो आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू है जब एच क्या हो जाता है, जीरो। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया फिर भी उसमें कुछ ना कुछ आई बचा हुआ है, वो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रिटेंटिविटी है। तो ये रिटेंटिविटी, ये भी क्या है, रिटेंटिविटी, राइट। तो ग्राफ इतना सिमेट्रिकल बनता है कि ये वाली और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम बनती है, रिटेंटिविटी क्लियर है। अच्छा अब इधर देखो, सपोज यहां पर आई क्या हो गया था, यहां पर जीरो, कब हुआ जीरो, जब आपने उल्टा फील्ड अप्लाई किया, और उल्टा कितना फील्ड अप्लाई किया, इतना, इतनी एच की वैल्यू आपने उल्टी अप्लाई की ताकि आई क्या हो जाए, जीरो। इस एच को बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी का मतलब कौन सी वैल्यू, उस एच की वैल्यू जब आई क्या हो जाता है, जीरो। और रिटेंटिविटी का मतलब उस आई की वैल्यू जब एच क्या हो जाता है, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिटेंटिविटी का मतलब कौन सी वैल्यू, उस आई की वैल्यू, मैं लिख रहा हूं यहां पर, रिटेंटिविटी का मतलब आई की वो वैल्यू जब एच हमने क्या किया था, जीरो, कि मैग्नेटिक फील्ड बंद करने पे भी सब्सटेंस में आई जनरेट हो गया था, वो आई की वैल्यू रिटेंटिविटी, राइट। या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कोएर्सिविटी का मतलब उस एच की वैल्यू जो हमें अप्लाई करनी पड़ी कि सब्सटेंस क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसको क्या बोलते हैं,
कोएर्सिविटी। याद रहेगा कोएर्सिविटी वो एच की वैल्यू जब हमने सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज किया, रिटेंटिविटी वो आई की वैल्यू जब एच हमने जीरो अप्लाई किया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्लियर है? ओके, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? बोल। अब फायदा क्या मतलब कि ऐसे ही मतलब साइंटिस्ट आया उसने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं और कोर्स पर डाल देंगे ताकि बच्चों को नॉन मेडिकल चल रहा है मेडिकल चल रहा है नहीं, फायदा कुछ तो होता होगा। पहला फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त चीज निकाली जैसे निकाली, ये काम करने वाले ने सारे मैग्नेटिक मटीरियल पे किया, सारों को ग्राफ ऐसा ही बनता गया, किसी का मोटा किसी का पतला, तो आप ऐसा देख भी सकते हो कुछ ऐसा सा, किसी का मोटा किसी का पतला, सॉफ्ट आयरन का बहुत पतला सा बन रहा है, स्टील का काफी मोटा सा बन रहा है, राइट। रूल नंबर वन, जिस भी मटेरियल का ये ग्राफ का एरिया एरिया ज्यादा आया वो मटेरियल उतना ही गर्म पाया गया, वो हीट लॉस ज्यादा करता है। हीट कहां से आ गया? आप बेचारे एटम की दुविधा समझो, एटम कह रहा है टिकने नहीं दे रहे मेरे को, देखो मैं एटम हूं, मेरे को कहते हैं पहले इधर फील्ड अप्लाई चल, तू उधर चल, मैं इधर चला गया, मैंने डायर बनाया, अब वो कहते हैं ठीक एच जीरो कर रहा हूं, तो एच जीरो कर रहा हूं मैं इधर आता गया और मेरे को डीमैग्नेटाइज कर दिया, फिर कहते हैं उल्टा फील्ड अप्लाई किया, फिर मैं इधर चला गया, फिर मैं एकदम रोक दिया मुझे, फिर मैं इधर चला गया। अब देखो ना मेरी हालत देखो, जब मैं इधर से एकदम इधर आता हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मुझे एकदम रोकनी पड़ती है, तो मैं कहां फेंकूं एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ, फिर मैं भी ठीक है बाहर छोड़ देता हूं, मटेरियल गर्म हो जाएगा, मेरे को घुमा रहे हैं ना फिर रोक रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं मेरे को फिर रोक रहे हैं, तो इस तरीके से करते जाओगे और ऐसे करोड़ों एटम जब करेंगे तो मटेरियल अपने आप ही गर्म हो जाएगा, इसलिए इसमें हीट लॉस हो जाता है जब आप एक मटेरियल को मैग्नेट डी मैग्नेट मैग्नेट डी मैग्नेट मैग्नेट डी मैग्नेट बनाते जाओगे, मटेरियल गर्म हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो वो मटेरियल में हीट लॉस कम पाया गया जिसका ये ग्राफ में एरिया कम था। तो अगर आप स्टील और सॉफ्ट आयरन को ऐसा करते हो, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट डी मैग्नेट करते हो, तो आप देखोगे कि सॉफ्ट आयरन कम गर्म होगा। तो जहां आपको मालूम है कि सब्सटेंस के साथ ऐसा होने वाला है कि वो मैग्नेट बनेगा फिर नहीं बनेगा फिर बनेगा फिर नहीं, तो वहां सॉफ्ट आयरन यूज कर लेना, एनर्जी लॉस कम पाया जाएगा। तो क्या बढ़िया चीज है, कल को ट्रांसफॉर्मर बनाने हैं कुछ बनाना है उसमें एनर्जी लॉस कम चाहिए, हम यूज ही सॉफ्ट आयरन करेंगे, हम स्टील करेंगे ही नहीं, स्टील का ट्रांसफॉर्मर आता ही नहीं, सॉफ्ट आयरन का आता है, क्योंकि उसको सारा दिन ऐसा ही कुछ काम करना है, बताता हूं क्या करना है। बट पॉइंट समझ में आया यहां तक? पहला रूल समझ में आया, दूसरा इसके अंदर नेक्स्ट जो रूल है नेक्स्ट है ये हो गया समझ, एनर्जी डिसिपेशन। डिसिपेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, परमानेंट मैग्नेट्स। मुझे ये बताओ परमानेंट मैग्नेट अगर आप बनाना चाहते हो, ये रहा आपके पास दो मटेरियल अवेलेबल है, कंपनी खोलनी है आपने परमानेंट मैग्नेट की, तो बोलो कौन सा रॉ मटेरियल लोगे, स्टील या सॉफ्ट आयरन? अच्छा, काफी लोग स्टील बोलते हैं, आपको नहीं लगता कि देखो दोनों बने तो लोहे से हैं, अब लोहे को लिया आपने उसे मैग्नेट बनाया, अच्छी बात है मैग्नेट बना, और सॉफ्ट आयरन की तो आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, राइट, और फिर जब आपने इसको एच को जीरो किया तो उसकी रिटेंटिविटी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा है, यही हुआ ना, आई बहुत बड़ा होने का मतलब एच को जीरो कर दिया, एच को जब जीरो किया इतना सारा मैग्नेटिज्म है उसमें, इसमें थोड़ा कम है, तो मुझे कोई बताएगा कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, परमानेंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बंद करो, लगाया और बंद करके छोड़ दो, आप चाहते हो कि उसके अंदर मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटिज्म रहे, अब बताओ कि आप कौन सा यूज करोगे? कितने लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, क्योंकि उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा है, कि एच को जीरो करने के बाद भी बहुत देर तक मैग्नेट रहेगा,
ओके, कितने लोग बोलते हैं स्टील, और स्टील क्यों? देखो बेचने वाले ने मुझे कहा सर बहुत बढ़िया सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट, मैंने पूछा कैसे, बोले देखो कितना स्ट्रांग है, क्यों उसका आई बहुत बड़ा था ना, उसे चिपका के दिखाया दो चार, मैं कहा हाँ यार बात सही है, वो कहेगा कि स्टील जो है ना वो उतना मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रांग हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कम है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, मैंने कहा हाँ लॉजिक है। मैंने ये परचेज कर लिया, मैं घर आया, मैंने किसी और मैग्नेट के साथ उसको कांटेक्ट में लेके आया, अब मैग्नेट के साथ वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में आ गया, वो जैसे ही मेरा मैग्नेट एक्सटर्नल फील्ड में आया उसने उठा के उसको 2 मिनट में डीमैग्नेटाइज कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके कोएर्सिविटी बहुत ही, जरा सा किसी ने एच अप्लाई किया नहीं उल्टा और ये फटाफट आइस का, देखो आइस ज्यादा है पर 1 मिनट में भी जीरो हो सकता है क्योंकि जरा सा एच अप्लाई करोगे फटाफट गया, तो फिर परमानेंट क्या रह गया, खत्म, आयरन आयरन बन गया। लेकिन अगर ये स्टील होता और दूसरे बंदे को बहुत ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ना था ताकि उसकी आई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को कभी यूज नहीं करते, चाहे वो कितना भी मैग्नेटाइज हो जाए, हम किसको यूज करते हैं, स्टील को। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए वो मटेरियल यूज करना है जिसकी कोएर्सिविटी बहुत बड़ी हो ताकि उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान ना हो। ये गेम स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेट की नहीं है, ये गेम है कि वापस से मैग्नेट कौन जल्दी आता है और कौन लेट आता है, जो लेट आएगा वो बढ़िया मैग्नेट बनेगा, परमानेंट रहेगा, और वो लेट आएगा जिसको बहुत उल्टा एच अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी कोएर्सिविटी, तो कौन सा, स्टील, राइट, स्टील लिखा हुआ बुकलेट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बिजली से चलने वाली मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या यूज करेंगे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हो एक बिजली की बेल है, घंटी मारी किसी ने, वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल क्या होता है घंटी का, वो बिजली का मैग्नेट बन जाता है। एक कटोरी रखी होती है, पुराने जमाने की बेल द्वारा कटोरी रखी होती है, एक हैमर है, हैमर लोहे का अट्रैक्ट करता है, तो वो सर्किट ब्रेक होता है तो टन 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 बचती रहती है क्योंकि मैग्नेट डी मैग्नेट, मैग्नेट डी, वो डी मैग्नेट होता है आयरन पीछे, वो मैग्नेट बनेगा आयरन खींच लेगा, तो टन 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 बजनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है बार बार बेल बजेगी बजेगी, तो बेल बजेगी तो मैग्नेट बनेगा, फिर डी बेल छोड़ोगे भी डी मैग्नेट हो जाएगा, फिर बजेगी फिर बंद हो, अब घड़ी घड़ी बेल बजाते रहोगे, बहुत बेल बजानी है या कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक डी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डी मैग्नेटिक, तो वहां गर्मी ज्यादा जनरेट होगी, आप ऐसा चाहोगे कि वो बेल सड़ जाती है ना अगर आप बार बार बजाओगे, तो वही है ना प्रिंसिपल, गर्म हो जाएगी तो सड़ जाएगी ऑब्वियसली, आप चाहते हो कम गर्म हो, और कम गर्म कौन होगा इसमें, जिसका एरिया कम होगा, किसका एरिया कम है, तो फिर कौन सा मटेरियल यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन, राइट, जो कम गर्म हो, समझा रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर कोर्स, ट्रांसफॉर्मर के कोर देखो कैसे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एसी डिवाइस पे काम करता है, हमारे घरों में एसी आ रहा है, राइट, बिजली की तारें ऐसी आती हैं ट्रांसफॉर्मर पे और ऐसी चली जाती हैं हमारे घरों तक, ऐसे ये चलता है, तारे तारे हैं और ये लोहे का पीस है। अब एसी जो करंट होता है वो ऐसा आता है, एसी करंट साइकिल की फॉर्म में आता है, इसका मतलब ये होता है एसी करंट जब वायर में आता है ना तो करंट बढ़ जीरो, मान लो 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है तो वायर में ऐसे जाएगा 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर इस तरफ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर इधर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 4 3 2, ऐसे चलता रहेगा, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करता है फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करता है डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये चलता रहता है, हर वक्त करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज, राइट। अब होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर में लोहे के पीस पे ना बहुत सारी तारों को लपेट रखा होता है, राइट, अब वो जो करंट चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है सोलेनोइड, तो वो बेसिकली क्या है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, लोहे का पीस है वो मैग्नेट इतना काम करता है क्योंकि करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या, करंट हर वक्त इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रहा है, तो सब्सटेंस हर वक्त कभी मैग्नेट बन रहा है कभी, क्योंकि जब करंट जीरो हो रहा है तो डीमैग्नेट बन रहा है,
फिर करंट उल्टा हो रहा है तो उसके एटम अब उल्टे चले जाएंगे, कभी सीधा कभी उल्टा, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर कभी नॉर्थ इधर साउथ इधर, फिर नॉर्थ इधर साउथ इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो ये चलता है। आयरन का बड़ा सा पीस है ना जो अंदर, वो उसके एटम्स लाखों करोड़ों करोड़ों, वो सारे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पूरा ट्रांसफॉर्मर तो बंद ही नहीं होते, वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं, आपने देखा है, तो वो हर वक्त इस पोजिशन में रहते हैं। अब सोचो लगातार कई साल से चलते जा रहे हैं, बिजली का कट कितना की लगता है, तो कितना गर्म हो जाएगा वो, तो कैसा मटेरियल यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि एनर्जी लॉस उसमें कम है, कोई डाउट इसमें। हालांकि सिर्फ सॉफ्ट आयरन से बात नहीं बनती, उसमें ऑयल तेल भी डलता है, कूलेंट जिसे बोलते हैं, गाड़ियों का कूलेंट होता है ना, अंदर ऑयल डलता है तो उसको ठंडा रखता है, बहुत सारे मैकेनिज्म है ठंडा रखने के लिए, तो वो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग करेंगे उनको बताया जाएगा, तो ये सिस्टम है, कंप्यूटराइज है सारा, लेवल अप डाउन डिपार्टमेंट को पता लग जाता है किसमें तेल कम है, बहुत सही, सॉफ्टवेयर्स बहुत सही चलते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन, कि ट्रांसफार्मर के कोर्स भी कौन से यूज किए जाएंगे, कोई डाउट इसमें, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी तक आपका बस यहीं तक सिलेबस है, बाकी सब फालतू है, एनसीईआरटी तक खत्म होता है ये कोर्स, ठीक। ऑब्जेक्टिव शीट, फिफ्टी टू, ओके 2 मिनट, 52nd शीट ओपन करना प्लीज। देखो हाँ, तो मैं आज ये करके लाया था फटाफट, ताकि मेरा टाइम बचे, नहीं तो बहुत टाइम कंजम्पशन है इसमें। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, ओके। हाँ वो तो है ही है, कर सकते हो, डायमेंशनली भी कर सकते हो, सही है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये प्लस सिग्मा है और कहीं ना कहीं ये माइनस सिग्मा होगा, और जो लेंथ है वो कैपेसिटर की वो एल है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एज शोन इन द फिगर, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी द टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कैपेसिटर इज। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंटर करता है तो L डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितनी देर में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और याद रहे इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कब करता है, दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये प्लस है प्लस सिग्मा और दिस इज माइनस सिग्मा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, बताओ फोर्स कहां लगेगी, फर्स्ट फिंगर इनसाइड, सेंट्रल फिंगर इधर नहीं, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो किधर, तो फोर्स कहां लगेगी, मैग्नेटिक नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स चाहती है कि ये नीचे आए, विद अ फॉर्मूला ऑफ बी क्यू वी साइन ऑफ 90। मैग्नेटिक फोर्स चाहती है नीचे आए, पर इलेक्ट्रिक फोर्स का ये पॉजिटिव प्लेट है, वो चाहती है ये ऊपर आए, मैग्नेटिक फोर्स चाहती है कि ये नीचे मुड़ जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहती है ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाए तो ये ना ऊपर जाए ना ये नीचे जाए, ये बिल्कुल सीधा चली जाएगी, राइट। ये देखो ये बी बोर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन में से ली ने फर्स्ट सेंट्रल फिंगर को ऐसे कर दिया ना, नीचे आया, राइट। तो अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो जाए, दैट इज बी क्यू वी
ये रहा, दैट इज बी क्यू वी साइन 90 इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो यहां से ई कैंसल और वी की वैल्यू क्या जाएगी, ई बाय बी, तो वेलोसिटी आ गई। और प्लेट्स के बीच में ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई आ गया, ई की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वी, डिस्टेंस एल है, वेलोसिटी हमने निकाल ली, आंसर ठीक। व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, घर जाके आराम से पढ़ लेना नोट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हाट्सएप करूंगा अभी थोड़ी देर में ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। लिख लिया फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो टाइम ही नहीं बचा। हर वक्त एस सी और एस एम कैंसिल करेगा, उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगा जब फील्ड स्टार्ट हो गया। मेथड समझ में आ रहा है सबको, राइट? क्वेश्चन नंबर टू, ओके, क्वेश्चन नंबर टू में आपको यह गिवन है कि सपोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का मतलब बोर्ड के अंदर बाहर, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा जीरो वाई, ये वायर है, इसमें करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब ये वायर है, इसमें करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, अगर करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है ये रहा थम अंदर, तो बी कैसे होगा, सर्कुलर, ऐसे लाइन सर्कुलर है, तो किसी भी पॉइंट पर बी वेक्टर टेढ़ा होगा ऐसे, टेंजेंट, सर ऐसे ड्रॉ करो ना एक लाइन, तो अगर बी ऐसे है, अगर वायर ऐसे है, करंट ऐसे है, राइट, ऐसे, तो एक्स कॉमा वाई, अगर ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, और जो भी ये सर्कल बनेगा उसके साथ एंगल 90 बनेगा टेंजेंट का, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो बी के दो कॉम्पोनेंट, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, राइट? तो इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी बी वेक्टर, वो आई बी साइन थीटा अलोंग आई कैप एंड बी कॉस थीटा अलोंग माइनस जे कैप। इनफाइनाइट वायर का बी क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, इस वैल्यू को बी की जगह, और इस ट्राइंगल से कॉस थीटा क्या होगा, एक्स बाय आर, वेयर ये डिस्टेंस पोजिशन वेक्टर आर एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड में पुट करेंगे तो डिस्टेंस आर ले लो, तो कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, साइन थीटा इज वाई बाय आर, ठीक? तो कॉस और साइन की जगह वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई, और जो आर है उसकी जगह एंड में क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेथड समझ में आया कि कैसे किया इसे, तो किसी भी इंस्टेंट पर बी वेक्टर कैसे कंसिडर किया, उसको कैसे सॉल्व किया वेक्टर्स की हेल्प से, कोई डाउट इसमें, सही, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड में चार्ज पार्टिकल ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन अ कंप्लीट ऑपोजिट सेंस। सी, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो गारंटेड है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो इफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन, मैंने लिखा एंड पार्टिकल्स आर ट्रेवर्सिंग पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, और रेडियस क्या होता है मुझे बताओ जब सर्कल में घूमती है कोई बॉडी, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू, वैसे तो अगर हेलिक्स नहीं बनता तो एम वी बाई बी क्यू ही है, पर साइन थीटा इसलिए ले लिया क्या पता वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हेलिकल पाथ है वैसे भी, सॉरी हेलिकल पाथ में साइन थीटा भी आता है, राइट? तो रेडियस का फॉर्मूला हेलिक्स में किया हमने, तो मुझे पता है कि ये जो रेशियो है चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज बाय मास रेशियो का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, हाँ, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है एक प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मास और चार्ज का रेशियो सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ, रेशियो डिफरेंट होती है, चार्ज और मास रेशियो डिफरेंट होती है, नो डाउट, मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैं एक मिनट ऑप्शन सात खोल रहा हूं ना, तो इस केस में वो कह रहा है कि हेलिकल पाथ है, तो उस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो चार्ज टू मास रेशियो का सम क्या इक्वल टू जीरो होगा, ये क्वेश्चन है। रेडियस सेम है, सी आर सेम है, आर सेम है, साइन थीटा सेम है, वी सेम है, बी सेम है, तो चार्ज बाय मास की रेशियो भी, तभी वो सेम रेडियस में जाएगा, तो सेम रेडियस में क्यों जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगी और एक
नेगेटिव होगी, तभी तो इन दोनों का सम जीरो आएगा, नहीं तो जीरो क्यों आएगा? उल्टा है देखो, यहां तो क्लियर है ना, वो ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, सेम रेडियस, डायरेक्शन ही चेंज करने को कह रहा है ना पार्टिकल्स की, रेडियस को वैल्यू चेंज करने को तो नहीं कह रहा ना। उसने कहा इन ऑपोजिट सेंस, दो पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट सेंस, इट मीन्स कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन से हिसाब से पता लग रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सेंस ऑपोजिट है, रेडियस अस्यूमिंग द सेम। हाँ अगर रेडियस भी सेम नहीं होगा फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, फिर तो अगर ये भी सेम नहीं करना फिर तो क्वेश्चन ही क्लोज करो, फिर तो कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, दे नेसेसरी रिप्रेजेंट अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर कहलाता है, नहीं कहता? पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिट्रॉन ऐसे मूव करते हैं वैसे? मैंने कभी सुने नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं, वो तो रिएक्शन से निकलते हैं। नहीं, चेंज होता है, बिल्कुल होता है। मैं कह रहा हूँ पता नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मैं कह रहा हूँ बस चार्ज टू मास रेशियो सेम होगा तो रेडियस सेम होगा, चार्ज टू मास रेशियो मुझे क्यू बाई एम अगर होता तो उनका सम तो इक्वल टू जीरो ही होता ना उस कंटेक्स्ट में, तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो तो मैं बोल रहा हूँ ई को देखते हुए कि शायद एक प्रोटोन है शायद एक इलेक्ट्रॉन, चलो मैं नहीं बोलता, चलो बोलते ही नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। तो चार्ज टू मास रेशियो सेम होगी तभी रेडियस सेम होगा, और चार्ज टू मास रेशियो एक पॉजिटिव होगी और एक, तो उनका सम इन द एंड जीरो ही होगा। इस हिसाब से डी ऑप्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।